कभी कुछ ना करके भी देखो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हमने सीख लिया है हसन अली से, क्योंकि ये बिना किसी बात के अपना जनरेटर वाला सेलिब्रेशन ऑन तो कर लेते हैं, पर सामने वाला बैटर इनका जनरेटर ऑफ ही कर देता है। स्लेज करने में तो ये नंबर वन है, पर उसके बाद जो इनका हाल होता है ना, वो पूरी दुनिया जानती है। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी तगड़े बैटर को स्लेज कर रहे हो, 11वें नंबर के बैटर को स्लेज कर रहे हो आप। ये सब हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है भाई। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के मैच में हसन अली ने सेकंड इनिंग्स के 38वें ओवर में एक बॉल डाली, जिसे मीकरन ने डिफेंड किया, और उसके बाद सडनली हसन मीकरन के पास जाके उन्हें स्लेज करने लगे। ऐसे तो सबको लग रहा था कि मीकरन इसका कोई तगड़ा जवाब देंगे, पर वो भी हसन अली पे हंसने लगे, और हंसते हुए ही उन्हें जवाब दिया। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा तो मीकरन को भी आ ही गया था, पर पता है मीकरन के मन में उस टाइम क्या चल रहा होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही चल रहा होगा। फिर अगले ओवर में हारिस राउत ने भी मीकरन को बाउंसर डालने के बाद स्लेज करना शुरू कर दिया। कोई सेंस है इस बात? मैं तो देखना चाहता हूँ कि इंडिया के सामने स्लेजिंग निकलती है या नहीं। पर एक खासियत तो पाकिस्तान की टीम में है, पूरी टीम का फॉर्म खराब चल रहा है, पर नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जीत के घमंड ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। बाबर ने वर्ल्ड कप से पहले कहा था हम सारे जवाब स्टेडियम में देंगे, पर सबका सिर्फ एक ही रिएक्शन था। पर आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही में स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब कीजिए।